नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा अध्याय 17। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन की और इसके एक चैप्टर की। और मैं आपको बता दूँ कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दूंगा, इसके राइटर हैं डॉक्टर SL बरे, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन में, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बाण भट्ट का इतिहास लेखन किस प्रकार से रहा है। क्या बाण भट्ट का इतिहास लेखन एक ऐतिहासिक इतिहास लेखन है? आपको बता दूँ कि इस तरह के प्रश्न 5 नंबर के रूप में भी पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट के इतिहास लेखन के बारे में आप हमें बताइए, विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो आपको बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट या फिर निबंधात्मक रूप से उसका आंसर करना होता है। तो इस तरह से मैं आपको बाण भट्ट के बारे में और उसके इतिहास लेखन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ना देकर एक निबंधात्मक रूप में पढ़कर सुनाऊंगा। आपको कोशिश करना है कि आप ध्यानपूर्वक सुने, समझने का प्रयास करें और फिर अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स आप तैयार करते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम के पास पास में केवल उन नोट्स को रिवीजन करना बस होता है, और इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि इतिहास में आपको तो पता ही है कि लिखना कितना पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं बाण भट्ट के इतिहास लेखन के बारे में। बाण भट्ट हर्ष का समकालीन था। हर्ष कौन? पुष्यभूति बर्धन का पुत्र हर्ष बर्धन, और इनका एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में हम बात करें तो यह एक महान दानी शासक कहा जा सकता है, क्योंकि ये दान करने में अपने खजानों को खाली कर देता था। उसके बावजूद इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसने पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था, जिसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में, और प्रयाग प्रशस्ति ही है जहाँ तक हो तो। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक कवि एवं लेखक विद्वान था, साथ ही वह जाति से ब्राह्मण था। बाण भट्ट की रचना हर्ष चरित्र शुद्ध समसायिक ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आती है, और हर्ष चरित्र से हमें हर्षवर्धन और अन्य शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन एवं उसके वंश का संपूर्ण इतिहास लिखा है। चूँकि हर्षवर्धन भारतीय इतिहास का एक प्रतिष्ठित शासक है, उसको कहीं ना कहीं अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त इनकी समकालीन समझा जाता है। इसीलिए हर्षवर्धन के इतिहास का प्रमुख स्रोत बाण भट्ट के इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, जो हमें प्रमुखतया निष्पक्ष रूप से हर्षवर्धन की जानकारी देता है। इस इतिहास ग्रंथ हर्षचरित में हम उसका प्रारंभिक जीवन, तात्कालीन समय की राजनीति, समाज, अर्थ एवं धर्म व्यवस्था का प्रामाणिक विवरण हमें मिलता है। यद्यपि इस ग्रंथ की शैली अलंकारित है, इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में स्वयं बाण भट्ट के जीवन और परिवार से संबंधित जानकारी है। दूसरे, तीसरे एवं चौथे अध्याय में पूर्वजों तथा थानेश्वर राजवंश का इतिहास है। पांचवे एवं छठवें अध्याय में हर्ष की सफलता का इतिहास हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से उसके राजदरबार की समस्त जानकारी मिलती है, क्योंकि बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि भी था। इस ग्रंथ के आठ अध्याय है। प्रथम तीन अध्यायों में बाण भट्ट की आत्मकथा हमें देखने को मिलती है। उसने 8 में से 3 अध्याय में केवल अपनी आत्मकथा लिखी है, और शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं एवं हर्ष के प्रारंभिक जीवन और उसके काल के बारे में, उसके साम्राज्य और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी दी है। बाण भट्ट हर्ष के दरबार के महत्वपूर्ण रत्न थे, साथ ही वे उसके परम मित्र भी थे और उसके दरबार के एक कवि भी थे और लेखक भी थे। दोस्तों, बाण भट्ट को महाकवि का दर्जा प्राप्त था। इसने हर्ष के मार्गदर्शन में ही हर्ष चरित्र जैसे इतिहास प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी। और आपको बता दूं कि जो हर्षवर्धन था, वो खुद एक महान तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेखक था। उसने रत्नावली और अन्य 2 और नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने ऐसे कुल 3 नाटकों की रचना की है, जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हर्षचरित ने भी खुद कई रचनाएं लिखी हैं। इस तरह से हर्ष के मार्गदर्शन में भी बाण भट्ट ने कई रचनाओं को लिखा। उन्हीं में से एक थी हर्षचरित, जो कि इतिहास में बहुत मशहूर हुई, और यह ऑथेंटिक हिस्ट्री
ग्राफी के रूप में प्रसिद्ध हुई, एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुई। बाणभट्ट के जो ससुर थे उनका नाम था मयूर, और जो कवि मयूर थे वे भी अपने दामाद की तरह प्रतिभाशाली कवि और लेखक थे, और वे हर्ष के दरबार में थे। जिसने उनके जो ससुर थे मयूर, उन्होंने सूर्य शतक, मयूर शतक एवं खंड प्रशस्ति जैसे काव्यों की रचना की। इन रचनाओं में बाणभट्ट ने भी अपने ससुर की मदद की थी। बाणभट्ट की अन्य कृतियों में कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक एवं मुकुट तड़ी तक ताड़ी तक आती है। इन ग्रंथों से भी सम्राट हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों की प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। बाणभट्ट अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित में सम्राट हर्ष के सैनिक अभियानों का विस्तृत विवरण देते हुए लिखता है कि उसकी सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। एक दिन की यात्रा 3 मीटर पूरी हुई थी कि हर्ष ने असाई यानी कि कामरूप नरेश भास्कर वर्मा से मित्रता कर अपने गोध राजा शरीफ के विरुद्ध कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर ली। बाणभट्ट के हर्षचरित के संबंध में आज तक इतिहास अध्ययन के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि हर्षचरित में बाणभट्ट ने समकालीन परिस्थितियों का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। अलंकारिता एवं काव्य शैली के अंत अन्य दोषों से उसे पूरी तरह मुक्त नहीं माना जा सकता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% निष्पक्ष था, लेकिन उसने जो तथ्य प्रस्तुत किए उससे यह समझ में जरूर आता है कि वह पूरी तरह पक्षपात करने वाला लेखक भी नहीं था, जैसे कि हमें जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल और मिन्हाज उस सिराज जैसे लेखक हमें दिल्ली सल्तनत में मुगल काल में देखने को मिलते हैं, जो केवल राजाओं की प्रशंसा करने में ही लगे होते थे। वहाँ पर बाणभट्ट ऐसे लेखकों में से एक रहे जिन्होंने समय समय पर राजा की खिंचाई भी की है। बाणभट्ट हर्षचरित में लिखता है कि माधव गुप्त महासेन गुप्त का पुत्र था और हर्ष की राजधानी थानेश्वर में रहता था। बाद में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। इससे पूर्व महासेन गुप्त शासक था, जिसने मगध अपने हाथ से निकल जाने के बाद मालवा में अपने राज्य की स्थापना की। बाद में वह मालव राज भी कहलाया। इस तरह बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र के विस्तृत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सम्राट हर्ष के समय की समस्त प्रामाणिक जानकारी इसके द्वारा लिखित विवरण में मिलती है। विदेशी इतिहासकार कॉवल एवं थॉमसन बाणभट्ट के हर्षचरित्र के बारे में लिखते हैं कि उसकी राज्यसभा एवं शिविर का जीवन और गांव शांत थे तथा उससे भी अधिक शांत मठ और धर्मस्थल थे। चाहे वे ब्राह्मण के हो या फिर बौद्धों के, प्रत्येक ग्रंथ में सुनहरा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस तरह जो हर्षवर्धन था वह भी एक महानतम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रसिद्ध और अच्छा शासक था, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी विजय तो प्राप्त नहीं की, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत जीवन था वह जरूर महान था। दोस्तों, इस तरह एक अच्छे शासक के यहाँ एक अच्छा रचनाकार था जिसने एक अच्छी कृति लिखी, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फ्रेंच लेखक आंद्रे गिडे कहते हैं, मनुष्य तब तक नए महासागर नहीं खोज सकता जब तक उसके पास किनारों को खोने का साहस न हो। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, जब तक आप अपनी सुख सुविधाओं को इसीलिए नहीं त्यागते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा ये नहीं मिलेगा। कई बार आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। एक कहावत भी है जो हमारे पूर्वज अक्सर कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए इंतज़ार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो हो सके वो कीजिए। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं विकास ठेकरे आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।